हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A38 फ़ोन है, तो ओप्पो A38 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉलर आईडी स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस है, तो कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोटेक्शन ऑप्शंस को इनेबल कैसे कर सकते हैं और इसका आप यूज़ कैसे कर पाएंगे ओप्पो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और इसका आप यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और इसका आप यूज़ कैसे कर पाएंगे ओप्पो फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है। तो आपको सर्च करना है, पर यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेगा, इसलिए बैक कर लेना। बैक करते ही फ़ोन आइकन्स पे चले जाना है, तो फ़ोन आइकन्स आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो जाता है। शो होते ही आपको थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सेटिंग से आपकी कॉलिंग सेटिंग से ओपन हो जाएगी। तो कॉलर आईडी को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कॉलिंग आईडी पे जाना है और जो भी आप कॉलर आईडी को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपकी कॉलर आईडी है आपके फ़ोन में इनेबल हो जाएगा और जो भी स्पैम कॉल्स आपके फ़ोन में आती है तो आपकी कॉलिंग्स में शो करेगी। एंड आप फिल्टर स्पैम कॉल्स को भी इनेबल कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से स्पैम कॉल्स वगैरह को, सस्पेक्टेड कॉल्स या फ्रॉड कॉल्स वगैरह को भी शो कर सकते हैं अपनी कॉलिंग्स में और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, इसको नेवर कर सकते हैं, आपके फ़ोन में कोई भी कॉल्स अनाउंस नहीं होगी, या फिर आप इसको ऑलवेज करके अनाउंस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।